अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, मैं हूँ तस्लीम फातिमा और आप देख रहे हैं तस्लीम कॉर्नर फूड ब्लॉग इंडिया। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक इमरजेंसी रेसिपी, कबाब। ये इग और पोटैटो, आलू और अंडे का कबाब है। तो इसके लिए मैंने आधी चम्मच काली मिर्च, आधी चम्मच जीरा को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया और इसे मैं फ्रेश कूट लूँगी। इसके लिए मैंने एक प्याज लिया बारीक चॉप कर ली, दो ग्रीन चिली और एक लाल मिर्च और दो चम्मच के करीब को चार चम्मच दो या चार चम्मच के करीब आप धनिया पत्ती ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आलू को इस तरह से मैश कर देती हूँ। तो मैंने जो आलू लिया है उसे अच्छे से मैश कर दिया। मैंने चार पांच के करीब उबले मैंने आलू लिए थे, आलू को मैंने उबाल लिया है और अंडे को भी मैंने उबाल लिया है। तो इस तरह से मैं अंडे को पीस में कट कर देती हूँ। इससे हमारे को कबाब का जायका काफ़ी टेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। ये देखिए, तो बाकी चीज़ें भी मैं ऐड इसमें कर देती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जी मैंने प्याज डाला है, ये धनिया की पत्ती, ये हरी मिर्च। आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके जायकों में, आपकी रिज्क में। तो ये मैंने हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर और एक चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च का पाउडर यूज किया है और इसमें ज़्यादा स्पाइस मसाले मैं ज़्यादा यूज नहीं करूँगी। और मैंने जो फ्रेश कूटी हुई जीरा और काली मिर्च मैंने कूटा था उससे मैंने ऐड कर लिया और एक चम्मच भर के मैं धनिया पाउडर यूज करूँगी और नमक और तो हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद तो हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। इस तरह से एक सार कर लेंगे और ये देखिए इस तरह से। ये अपने आप तारीफ में आप बनाइए, शाम को स्नैक में बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाला है और एकदम यूनिक और नई रेसिपी है। तो हमने आलू और अंडे को अच्छी तरह से एक साथ मिला दिया और अब हमारे कबाब टूटे नहीं, इसके लिए मैं चार चम्मच के करीब इसमें कॉर्नफ्लोर या का यूज करी हूँ। बस अब हम इसे अच्छे से ताकि हमारे कबाब फ्राई पैन में जाने के बाद टूटे नहीं और काफी क्रिस्पी बने। तो हमने सबको अच्छे से मिला लिया। अब हम अपने कबाब को इस तरह से भी शेप दे सकते हैं, आपको जिस तरह से मन चाहे। तो मैं अपने कबाब को इस तरह टिक्के के शेप में बना रही हूँ, आपकी मर्जी, आप जिस भी शेप में बनाए। तो मैं अपने कबाब को इस तरह से टिक्के के शेप में सारे कबाब को बना लेती हूँ। उसके बाद हम इसे तलेंगे। तो मैंने सब कबाब बना के तैयार कर दिया। अब मैं इसे एक पैन में स्लो फ्राई करूंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपने कबाब को इसमें फ्राई करते हैं। मैंने तेल को हॉट गर्म कर लिया है। अब हमने मीडियम गैस को हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे ताकि हमारे कबाब अच्छे से अंदर तक पक जाए। ये देखिए, तो
तो एक तरफ से हमारे कबाब पक चुके हैं, हम इसे दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमारे कबाब का कितना अच्छा कलर आया। इसी के साथ मेरे चैनल तो पहली बार आया जाना आप, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, और अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमारा कबाब बन के रेडी है, और अब हम इसे करते हैं डिसोट। ये देखिए मैंने कबाब बना के रख लिए थे पहले भी, तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा कबाब बन के रेडी। आप भी फर्स्ट रमजान में अफ्तार में बनाइए, और अपने फैमिली को सरप्राइज दीजिए कि कितना अच्छा बना। तो इसी के साथ बाय बाय, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।